हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा लास्ट दिन है विपसाना का, आज से ख़त्म हो गया। मैं चलता हूँ, थोड़ा सभी को भी पूछेंगे कैसे रहा ये वी मूवमेंट होगा, बाकी आगे देखना है क्या क्या बोलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बोले तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत माइंडफुलनेस और अच्छा था। फिर आगे आखा ब्रेकफास्ट छोला पूरी मटर और जैवी ये भी विपसाना में था। इसका एक्सपीरियंस पूछे और कहाँ से है पूछे प्लीज से। हेलो, मेरा नाम रुचिर है और मैं अभी इंडोनेशिया से आया हूँ। मूलतः मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा और विपसना जब आप करते हैं तो ये आपके जीवन में उतरने लगता है। आप बहुत ही संयमी बन जाते हैं, आप काम बन जाते हैं और अपने दिनचर्या में काफ़ी अव्वल और काफ़ी यू नो कंसंट्रेट होके काम कर पाते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो इसमें आपको हर तरह से सक्सेस मिलती है, स्पिरिचुअली भी और मटेरियली भी। धन्यवाद। और एक बात, ये करना क्यों ज़रूरी है आपको पता चला? ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप अंतर्मुखी होते हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं, आप अपनी आत्मा से मिल सकते हैं जिसको आप आत्मा बोलते हैं, या आप अपने चरित्र को जान सकते हैं, आप हो क्या। नहीं तो आप हमेशा बाहरी अलम्बमों का सहारा लेके आप ब्रांडेड कपड़े जैसे पहनते हैं, एक इमेज बनाना चाहते हैं कि हाँ मैं ये एक लुई विटों का बैग कैरी कर रहा हूँ, मैं इतने महंगे शूज़ पहन रहा हूँ। लेकिन जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आपको सच्चाई पता चलती है मैं एक्चुअली में क्या हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे थॉट्स क्या हैं, मैं हूँ क्या, मेरी संस्कार क्या है। तो ये जब अंतर्मुखी होते हैं वो इसी विद्या से हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे दोस्त भी बन गए। आप कहाँ से वो एक्सपीरियंस कैसा रहा बता दो जी। मेरा नाम सुभाष ऋत्विक है और जैसे ही बोला उनका अभी हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। तो मैं मुंबई से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ एंड मैं इधर 10 डे कोर्स के लिए आया। 16 से शुरू हुआ और अभी आज 27 को ख़त्म हो रहा है। तो मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये है, मतलब एक्सपीरियंस है। पहले तो 2-3 दिन बहुत दिक्कत हुआ था, पर फिर भी मैनेज करके हमने 10 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीख के भी हम जाते हैं इधर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशराज गुप्ता है, मैं गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब करता हूँ और मैं यहाँ पे विपासना के लिए आया था। 10 दिन का कोर्स होता है। तो यहाँ मेरी जो यहाँ पे मैंने जो पाया है, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगा है कि आई हैव सीन चेंज इन माई सेल्फ। मतलब एक एक दिन ऐसे हो रहा था कि मैं ग्रेजुअली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पा रहा था। और एस बी ऑल नो कि ये तो अभी सिर्फ यहाँ का एक्सपीरियंस है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं बाहर जाऊँगा और बाहर की दुनिया में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा। और आई होप आई जस्ट टेक दिस विथ मी ऑलवेज। थैंक यू। आई एम फ्रॉम चेन्नई, माई नेम इज़ वसंतन कलाईसेल्वन। दिस आई विल फिनिश दिस विपसना इन 2009। आई एम सॉर्टेड दिस, आई एम फिनिश 13 दिस 10 डेज 1 सर्विस 10 डे सर्विस 120 डेज एंड 1 सरिपटना। दिस आई एम फिनिश 3 places ओनली इन तमिलनाडु, 11 times in Chennai, Dhamma Sedu, and 2 times in Arunachala, Dhamma Arunachala, and 1 time Dhamma Madura.
this nine times in Dhammasetu. This first time I am coming from out of in Tamil Nadu. This very very excellent very I don't know those words. Some different experience is there. Okay. It's more different experience is there. I'm enjoying this place. I'm enjoying. I'm finished. This every day morning, I'm coming outside. I'm seeing this mountain. I'm very big happy. I'm very very happy. I'm seeing this very. This I'm seeing this picture. I'm only seeing this picture only. Yes. I'm seeing this picture only. No, it's very natural. I'm seeing. I'm very very happy. Day after tomorrow and day after tomorrow, I'm not seeing. I'm very. Okay. Some. Okay. Thank you so much. Yes. Thank you. Very nice. Very nice. You know, thanks for all in Dhamma Ladakh and everyone. Thanks for all. Thank you. Thanks for all. And my first experience is very, very super. Very super. And first 2009 and 2024, I have finished this place. Thank you. थैंक यू जी. आज मैं हूँ यहाँ पे धम्म विपासना केंद्र धम्म लद्दा में और पिछले 11 दिन से मैं यहीं पे हूँ और हम कर रहे हैं साधना और जिसको विपासना बोलते हैं. विपासना मीन्स अपने अंदर देखो और अलग तरीके से देखो. और 11 दिन का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा. हालांकि ठंड ज़्यादा है और शेड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक और बिजी था. खाने में थोड़ा सा मसाला कम था लेकिन फिर भी अच्छा 11 दिन हमने किया. और आज जिस दिन मैं आया था उस दिन से काफ़ी ज़्यादा शांत और काम महसूस कर रहा हूँ. और हालांकि ये हो सकता है इसलिए भी हो क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा है. बाहर के माहौल में जाऊँगा और तब पता चलेगा कि साधना का मेरे ऊपर कितना असर हुआ है. लेकिन फ़िलहाल मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ. और आज हम भाई के साथ यहाँ बैठे हैं. भाई भी 11 दिन हमारे साथ रहे हैं और ये एक ब्लॉगर है. इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें. भैया को एक सुलूक मारो. ये जो क्या करते हो? मैं एक्चुअली सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस में, दिल्ली पुलिस में. मैं ये बताना चाहूँगा खन्ना है अच्छा नेता सभी को लगा होगा. खाने में पेस्ट नहीं डालता. लहसुन नहीं डालता. नमक मसाला नहीं होता. अच्छा खाना होता है. अच्छा होता है मगर जो धर्म में प्याज लहसुन को बुरा माना जाता है वो इधर नहीं दिया जाता है. उसके वजह से थोड़ा अच्छा नहीं होता. खाना जो मेरे हिसाब से अच्छा था. अच्छा था. बढ़िया था. अलन. सो हाय गाइस, आई एम अमन फ्रॉम एबीएस राइड्स और आज मैं राफेल के साथ राफेल के व्लॉग में आया हूँ. और आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस 10 डे विपासना कोर्स का. ये आप पीछे देख सकते हैं धम्मा लद्दा मेडिटेशन सेंटर. पीछे धम्मा हॉल है और साथ में हमारे राफेल हैं. पूछे राफेल क्या पूछना है आपको. मैं ये पूछना था क्यूट मत बना कैसा लगा बैठे नहीं हुआ. कैसा लगा विपासना. मैं पहले दिन जब आया था तो पहले दिन जब हमारे पास काफ़ी छूट थी. लिब्रेशन थी कि हम पैर फैला सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं. तो बहुत अच्छा लगा. सांस पे फोकस किया बहुत अच्छा लगा. लेकिन दूसरे तीसरे दिन आते हुए पांचवे दिन आते हुए जब हमें विपासना सिखाई और बोला कि अधिष्ठान ठान के आपको बैठना है काफ़ी देर तक तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई. और दिक्कत इतनी हुई कि पैरों में दर्द होना शुरू हो गया. लेकिन धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हम अधिष्ठान में बैठे तो मेरा जो दर्द था वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगा और फिर मेरी बैठने की आदत बन गई. और धीरे धीरे करते करते आज 10वें दिन मैं काफ़ी सारे अंतर अपने अंदर देख पा रहा हूँ. और मेरे को ये एक्सपीरियंस इतना लाइफ चेंजिंग लगा कि मैं सभी को एक बार रिकमेंड करता हूँ कि धम्मा लद्दा आना चाहें तो यहाँ आएँ, वरना किसी भी धम्मा सेंटर जाके विपासना ज़रूर सीखें.
एक बार सीखने की कला है। और लद्दाख या ले आते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, वो रफेल आपको बता देंगे वीडियो में, कि अपने साथ मॉइस्चराइज़र लेके आना और अपना एक्लिमेटाइज होने के लिए 2 दिन पहले आना है ना, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, और बाकी एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, और रफेल से मिलके तो मज़ा आया ही, और नया दोस्त बन गया रफेल हमारा एक नया दोस्त यूट्यूबर। हाँ, और अगर कभी रफेल दिल्ली आता है तो रफेल की खातिरदारी मैं करूँगा, और मैं ले आता हूँ तो रफेल ने कहा रफेल मुझे ले घुमाएगा, है ना भाई? हाँ, पता, मैंने ये सुना था, ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, कल आपने बोला था आप 2 घंटे मेडिटेशन करते थे। हाँ, पहले कहता था अभी कहता था, हाँ, उस दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले जो मैं मेडिटेशन करता था वो काफ़ी रिलीजियस टाइप की मेडिटेशन थी, मैं शिव जी का जाप करता था, तो उसमें ना ध्यान उस मेडिटेशन में लगा रहता था, और बॉडी में क्या पेन फील हो रहा है पता नहीं चलता था, तो मैं 2-2.5 घंटे आराम से बैठ जाता था। और यहाँ तो 1 घंटा बैठना भी ऐसा दर्द हो जाता था ना घुटनों में, कि काफ़ी फील होता था पेन हमें। तो ये डिफरेंस था, जो मेजर डिफरेंस था। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद। साधु ठीक है रफेल। इसने बोला नीचे चलो दुनिया जी के अम्मा जिसने ना पार्सियां हाई रुक ना ये वीडियो पर भी तन मोड़ का ले चीज़ कोई फिंगर है ज़्यादा दे तो गए आप पैदा मेरा स्कूटी वहाँ पे देखो हो रहा।
तू हेलो गाइस, मैं घर पे पहुंच गया था। पहले वो लोग कबूल किया, आज बहुत अच्छा लगा। फिर कल देखते क्या होते। मैं वीडियो बनाना चाहता था, फोन डेड हो गया, इसीलिए वीडियो बना नहीं सका। अच्छा लगे तो ऐसे करना, अच्छा नहीं लगे तो ऐसे करना। मगर एक कमेंट कर देना बस। ठीक है, बाय, टेक केयर।